गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी ग्रैमिनी, जिसका दूसरा नाम पोएसी भी रखा गया है। तो इस फैमिली का नाम पोएसी इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पोआ घास होती है वो इस फैमिली का मेंबर है, तो उस घास के नाम के आधार पर इसका नाम पोएसी रखा गया है। तो आज के इस फैमिली में हम डिस्कस करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजिशन और इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में, इसके अलावा इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसके सिस्टमेटिक पोजिशन देखते हैं बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। तो इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्मिया ओव्यूल कवर्ड पाए जाते हैं, और सब डिवीज़न मोनोकॉटिलेडनी की जो इसका सीड होता है उसमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है। इसके अलावा जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, सीरीज ग्लूमेसी। इसके एक पुष्प और सहपत्रों के कक्ष में पाए जाते हैं। फैमिली पोएसी जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट हर्ब या श्रब हो सकते हैं, और रूट इसकी एडवेंटिटियस होती हैं, स्टेम ठोस और पर्व संधियाँ खोखली होती है। जो इसकी जो नोड्स होती हैं, नोड्स के बीच में इंटरनोड्स पाई जाएंगी, वो बिल्कुल खोखली होती है। जैसे कि बांस का जो पौधा होता है उसमें वो बिल्कुल खोखला होता है, तो इस तरीके से इसमें खोखला तना पाया जाता है। पत्तियाँ डिस्टिकस होती हैं सिंपल, और इसके अलावा पर्ण आच्छद और ब्लेड में विभाजित होती है, और इसमें एक लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। फ्लावर इसमें ग्लूम होते हैं जो कि सहपत्र को निरूपित करते हैं। इसमें अंदर लेमा और पेलिया भी उपस्थित रहते हैं। इनके अक्ष में एवरंत एक व्यास सम्मित या द्वि या एक लिंगी पुष्प उपस्थित होता है। पुंकेसर अधिकतर तीन या मुक्त दोली होते हैं, मतलब वर्सेटाइल, मतलब फ्री होकर मूव करते रहेंगे। जायांग त्रियंडपी संयुक्तांडपी एक कोष्ठ की है। पैराइटल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। वर्तिकाग्र दो अथवा वर्तिकाग्र पिशिकी होती है, और फल इसमें शुष्क अस्फुटनशील कैरियोप्सिस फ्रूट इसमें पाया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट एंड हैबिटेट, पादप जगत का यह एक वृद्ध कुल है, तो इसकी लगभग 630 जीनस और 10,000 जातियाँ उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक पाई जाती हैं। और जितने भी घास के मैदान हैं जैसे सवाना पेरिज स्टेपिज, वहाँ की ये मेन वेजिटेशन होती है। भारत में इसके 239 वंश और 1150 जातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और यह शुष्क अथवा आर्द्र स्थितियों में और समुद्र तल से लेकर हिमालय तक की ऊँचाइयों तक पाए जाते हैं। हर्ब यह एक अथवा बहुवर्षीय शाख होती है, जैसे जो दूब होती है साइनोडॉन डैक्टिलियन, चावल ओराइजा सटाइवा, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, जौ हॉडियम वल्गेयर, जई एविना सटाइवा, बाजरा पेनिसिटम टाइफोइडस, मक्का जिया मेज, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से जो बांस होता है बैम्बूसा या डेंड्रोकैलेमस की कुछ जातियाँ जो बड़े वृक्ष की श्रब की तरह या वृक्ष की तरह पाई जाती है। तो बहुवर्षीय शाख भी इसमें पाई जाती है, जैसे घास हो गई, और इसी तरीके से इसमें श्रब या वृक्ष भी पाए जाएंगे। रूट अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, और गन्ने सैकेरम में अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं जो कि तने को आधार प्रदान करती है। जैसे जो गन्ने का जो प्लांट होता है उसमें नीचे की तरफ उसके स्टेम पे जो नोड होती हैं वहाँ से रूट्स निकलने लग जाती हैं, तो इनका काम होता है तने को आधार प्रदान करना, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो टूटे ना, तो इसलिए उसे आधार प्रदान करने के ये काम आती है स्टेम। इसके तने में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जैसे कि वायवीय ऊर्ध्व प्रोस्ट्रेट भी मिलता है, इसी तरीके से ट्रेलिंग कुछ सेंटीमीटर से लगभग 100 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। इन पादपों में भूमिगत चिरस्थायी प्रकंद पौधे भी पाए जाते हैं। यह समूह में अथवा कुछ दूरी पर छिद्र हुए वृद्धि करते हैं, और इनके मुख्य अक्ष के आधार से कलिकाएं विकसित होकर नए प्रो या तल में वृद्धि करती हैं। तो जो इसके स्टैम होते हैं वो भूमिगत भी हो सकता है और वायवीय भी हो सकता है। जो भूमिगत में होता है तो उसमें क्या होता है, जो नई नई कलिकाएं विकसित होती चली जाती है और वहीं पर ही नया प्लांट बनाती जाती है। तो ये शाखाएं जितनी ज़्यादा नज़दीक होती हैं तो उसके पादप के जो घने समूह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टैम दिए गए हैं, जैसे ट्रिट्रिका बैम्बूसा, इसमें जो तने पर स्वल या जो थोड़ी मोटे साइज़ की होती है नोड्स पाई जाएंगे, और इनके जो इंटरनोड्स होती हैं लंबी और खोखली होती है। तो इस प्रकार जो जोड़युक्त स्वरूप बनता है वह हॉलम या कल्म कहलाता है।
तो जो पोएसी फैमिली का जो स्टेम होता है उसको कलम कहते हैं, जिसमें नोड तो थोड़ी मोटी होगी, स्वेलो होगी, और जो इंटर नोड्स होती है वो फिस्टुलर या खोखली होती है, तो उसको कलम कहते हैं। कुछ वंश जैसे जिया मेज, एंड्रोपोगोन आदि में पर्व और पर्वसंध्या दोनों ही सॉलिड होती हैं। सोलर नोड दो प्रकार से बनती है, लीफ शीथ की वृद्धि से बनती है जैसे हॉर्डियम वल्गर ट्रिट्रिकम में, और दूसरा कलम के आधार पर पैनिकम और बम्बूसा में। अब इसकी पत्तियां देखते हैं तो लीव्स में सह सिंपल एकांतरित और पर्ण आच्छद और पटल में विभेदित होती है, डिस्टिकस लीफ पाई जाती है, और लैमिना और लीफ शीथ के संधि स्थल पर अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। तो इसकी जो लीफ होती है वो लैमिला और जो लीफ शीट है उसमें डिफ्रेंशिएटेड रहती है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए लिग्यूल नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और जो इसमें लीफ शीट होती है वो क्या करती है, जो पिट्योल जो बैम्बूसा है उसमें लीफ शीट की जगह पिट्योल पाया जाता है, और लीफ शीट पर्ण संधि से जुड़कर अतिव्यापित करके ओवरलैप करके एक नली का जैसी स्ट्रक्चर बना लेगी। तो जो इसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो लीफ शीट होती है उसको कवर करके रखती है जैसे, और उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। पत्तियों के आकार और विन्यास में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि लीनियर भी हो सकती है, सैजिटेट भी हो सकती है, इसी तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के विशेषकर शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों के पादपों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में मोटर कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो जो अब जैसे जो गर्म एनवायरनमेंट में या हॉट क्लाइमेट में मिलने वाले जो प्लांट्स होंगे, जैसे कि मक्का का प्लांट है, तो ये इनमें क्या होता है, जो इनकी लीव्स होती हैं उनमें मोटर सेल्स पाई जाती हैं। तो ये मोटर सेल्स का काम ये होता है कि ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करना, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो ये मोटर सेल एक्टिव हो जाती हैं और जो सेल्स जो लीव्स होती हैं वो रोल हो जाती हैं। तो जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये कोशिकाएं फ्लैसिड हो जाएंगी जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और अधिक वाष्पोत्सर्जन होने से पादपों को बचा लेती हैं, और पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस पोएसी फैमिली में विशिष्ट प्रकार का कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है जिसकी इकाई स्पाइकलेट होती है। तो इसमें एक कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस मिलेगा और इसकी यूनिट होती है स्पाइकलेट, और सभी जीनस में अलग अलग तरीके से अरेंज होता है, जैसे रेसिम में ब्राइजा, पैनिकल एवीना में, स्पाइक ट्रिट्रिकम में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पाइकलेट, तो स्पाइकलेट कैसी होती है, इसको इसमें एक एक्सिस होती है जो कि रेचिला कहलाती है, और इस पर दो सम्मुख पंक्तियों में सहपत्र उपस्थित होते हैं जो कि शल्की और खुदरे होते हैं, और इसके ऊपर ग्लूम पाए जाते हैं। कुछ आधारीय ग्लूम होते हैं और ऊपर वाले फर्टाइल होते हैं, और यह लैमना कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस को तो रेचिला कहते हैं, और फिर उसके बाद इसमें सहपत्र पाए जाएंगे, इन सहपत्रों को ग्लूम कहते हैं। जो आधार वाले होते हैं वो तो ग्लूम कहलाएंगे और स्टेराइल होते हैं, और जो ऊपर की तरफ जो ग्लूम पाए जाते हैं वो फर्टाइल होते हैं और लैमना लैमा कहलाते हैं। जो ऊपर वाले लैमा कहलाएंगे, नीचे वाले ग्लूम कहलाएंगे, और अक्सर इनके शीर्ष पर टर्मिनल स्थिति में नुकीला लंबा बार्ड ऑन उपस्थित रहता है। लैमा से घिरी हुई एक पतली शल्कीय द्विशीर्षीय संरचना भी स्पाइकिका में उपस्थित होती है, और यह पैलिया कहलाती है। इसके कक्ष में उपपुष्प उपस्थित होते हैं, और पैलिया की सुस्पष्ट एवं पूर्ण रूप से विकसित द्विशीर्षीय स्थिति के कारण इसे ब्रैक्टियोल के समकक्ष माना जाता है। कुछ वर्गकों में ब्रैक्टियोल जो पैलिया होती है उसके समीप रेचिला और एंट्रोलेट्रल स्थिति पे दो मांसल या रोमिल लॉडिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, मेन एक्सिस रेचिला कहलाती है, और जो इसके ब्रैक्ट्स होते हैं उनको ग्लूम कहते हैं, नीचे वाले स्टराइल होते हैं, ऊपर वाले फर्टाइल होते हैं जो कि लैमना कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें पैलिया पाया जाता है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब फ्लावर एब्रंथ होता है, सेजाइल, सहपत्री, सहपत्र की पूर्ण द्विलिंगी और या अपूर्ण हो सकता है, जैसे जो जिया मेज है उसमें एक व्यास सम्मित ट्राइमेरस हाइपोगाइनस और लैमा और पेलिया से आबद्ध रहता है। इसी तरीके से परिदल पुंज को यहाँ पर टैपल्स कहते हैं, जो कि सैपल और पैटल से मिलकर के टैपल्स बनाएगा, सैपल पैटल मिलकर के यहाँ पे टैपल बनाएंगे जिसे परिदल पुंज कह रहे हैं, और यह
नोडिकल्स के द्वारा निरूपित होते हैं। इसकी संख्या 2 से 6 तक हो सकती है। डेंड्रोकैलेमस में यह अनुपस्थित होते हैं। एंड्रोइशियम पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। दीप कोष्ठ की और मुक्त डोली होते हैं और इसमें पुतंतु लंबे होकर लैमा और पेलिया से बाहर निकल आते हैं। और इसकी स्थिति भी अब अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे यूनियोला में तो एक ही स्टामेन पाया जाता है, आर्थोक्सोन में 2 और सामान्य स्थिति में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। तो जो पोएसी फैमिली है इसका कॉमन फीचर तो है कि 3 स्टामेन की प्रेजेंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी पाया जाता है। जैसे माइक्रोलिना में 4, बैम्बूसा में 6, जो कि 3-3 के 2 चक्र में उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे गायनोइशियम देखते हैं। गायनोइशियम ट्राइकार्पलर सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलोक्युलर होती है और पैराइटल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। इसमें जो प्लेसेंटा है वो बंद हो जाता है और एक ही बीजांडल और सॉलिटरी और मासल ओवियल उपस्थित होता है। इस प्रकार का जायाम जो बीजांडासनों के बंद्यकरण के कारण त्रिअंडपी होते हुए भी एक अंडपी का आभास देता है उसको श्यूडो मोनोकार्पलरी या श्यूडो मोनोमेरस कहा जाता है। तो जो गायनो जो पोएसी फैमिली उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक तो ये हो गया कि इसमें 3 स्टामेन पाए जाते हैं और कुछ एक्सेप्शन हो गया। दूसरा गायनोइशियम में ये हो गया कि ये श्यूडो मोनोकार्पलरी ओवरी इसमें पाई जाती है। होते तो 3 है कार्पल्स हैं, लेकिन उनमें क्या होता है जो 2 होते हैं उनका स्टेरलाइजेशन हो जाता है, उसके कारण केवल एक ही जो कार्पल होता है वो फंक्शनल रहता है। तो इसलिए इसको मोनोकार्पलरी या श्यूडो मोनोमेरस कहा जाता है। वर्टिका जो स्टाइल और स्टिग्मा होती है वो स्टिग्मा है जो टर्मिनल होगी और फैदरी होती है। जियामेज में दोनों वर्टिका वर्तिकाग्र जुड़ जाते हैं और लंबी वर्तिका वर्तिकाग्र बन जाती है। और बैम्बूसा में 3 स्टिग्मा पाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रूट एंड सीड। इसमें शुष्क एकिनियल एक विजयुत कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है, बी एंडोस्पर्मिक होता है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल, इस कुल के सदस्यों में सेल्फ पॉलिनेशन उदाहरण ट्रिट्रिकम वायु द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। प्रकीर्णन वायु अथवा जंतुओं द्वारा होता है। एफिनिटीज़, यह पादप जगत का सबसे बड़ा और एडवांस्ड कुल है जिसे बैंथम और हुकर ने श्रृंखला ब्लूमेसी में साइप्रेसी के नज़दीक रखा। जब इसकी एफिनिटी की बात करते हैं तो यह कम्प्लीटली साइप्रेसी फैमिली से क्लोजली रिलेटेड होता है। तो इसमें दोनों इस कुल का जो एडवांस कैरेक्टर है वो ये है कि हर्बेशियस प्लांट होते हैं और जो वैस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं। पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। फ्लावर छोटे लैमा और पेलिया में आबद और स्पाइकिका में व्यवस्थित होते हैं और एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और यहाँ तक कि जो सीड्स का डिस्पर्जन है वो भी एयर के थ्रू ही होता है। और जिसका फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस फ्रूट होता है। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं तो आर्थिक दृष्टि से जो कुल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं जो एनिमल्स हैं वो कम्प्लीटली फूड के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि एडिबल जैसे धान्य और मोटे अनाज इसमें पाए जाते हैं, जैसे सीरियल गेहूँ ट्रिट्रिकम एस्टिवम में, चावल ओराइजा सटाइवा, मक्का जिया मेज, जो हॉडियम वल्गियर जय अवीना सटाइवा, मोटे अनाज या मिलेट्स जैसे ज्वार सॉर्गियम वल्गियर, बाजरा पेनिसिटम टाइफोइडस, रागी इल्यूसिन कॉर्काना, सिटेरिया सिटेरिया इलेटिका, फॉर्डर। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो एज एनिमल्स के लिए एज ए फॉर्डर यूज़ में किए जाते हैं। इसी तरह के जो खसखस ग्रास होती है विटिवेरिया जीजेनोइडस, तो ये इसकी जो जड़ होती हैं वो टाटियाँ बनाने के काम में आती है जो कि गर्मी में ठंडक देती है। इसके अलावा इसकी जो रूट्स होती हैं उससे सुगंधित तेल प्राप्त होता है जो कि खस और इत्र बनाने में प्रयुक्त होता है।